से भी मुख्य माधवी बुचंकु नै कांग्रेस आणिछे एक बड़ अभियोग। से भी मुख्यक दरमा सह माधवी बुच घरोई बैंक रु मध्य मोटा अंकर दरमा नेउथिबा भली सांघातिक अभियोग आणिछे कांग्रेस दल। अभियोग करिछे से भी रो मुख्य माधवी बुच जेतेबेले से उक्त संस्था रे मेंबर रहितले अर्थात 2017 रो 2024 पर्यंत जब वो मेंबर थी, होल टाइम मेंबर थी, 2017 से 2024 के बीच में रेगुलर इनकम आईसीआईसीआई बैंक से ले रही थी 16 करोड़ 80 लाख, और इसको तीन अलग अलग भागों में हमने आपको दिखाया कि तनख्वाह ले रही थी। आप सेबी की होल टाइम मेंबर हैं, आप आईसीआईसीआई से तनख्वाह क्यों ले रही थी, हम ये जानना चाहते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से ले रही थी, तो बैंक से ले रही हैं, प्रूडेंशियल से ले रही हैं, और ईसॉप, आप सब समझते हैं ईसॉप, और ईसॉप पे जो टीडीएस था वो भी आईसीआईसीआई ही दे रहा था। सेबी की चेयरपर्सन, एक महत्वपूर्ण रेगुलेटरी बॉडी की सबसे ऊंचे पद पर बैठी व्यक्ति, अधिकारी, तनख्वाह ले रही हैं एक और जगह से। 2017 से 24 के बीच होल टाइम मेंबर और उसके बाद चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इन्होंने 22 लाख 41 हजार रुपए लिए। वो क्यों लिए, क्या सेवाएं इन्होंने आईसीआईसीआई को दी, ये भी सवाल बड़ा जायज है। तेबे वास्तवरे प्रश्न तो आसीबा स्वाभाविक, जड़े सेबी रो होल टाइम मेंबर रहितबा समय रे आईसीआई बैंक रो 16 कोटी 80 लाख मोटा अंक कोन पाई। वास्तवरे सेबी रो काम हुची देशर कंपनी गुड़ी को ऊपर तदंत करबा, किंतु एठी आश्चर्य कला भली अभिजोग किछि एमिति रहिछि। सेबी मुख्य माधवी बुच्चंक खातारे कनेक्शन सेई कंपनी सह रहिछि, जार तदंत सेबी को करिवार थिला। ये मेंबर थी, होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, और उसके बाद ये चेयरपर्सन बनी सेबी की 2 मार्च 2022 को। द डेट्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और सेबी एक रेगुलेटर है, सेबी का रोल, जो उसकी भूमिका है, वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका सेबी की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है, सेबी की चेयरपर्सन को, ये दो महानुभव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये दो सदस्य हैं, मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। 4,71,29,116 रुपए इनको मिला आईसीआईसीआई बैंक से 2018-19 में, और प्रूडेंशियल से भी मिल रहा है 2,17,908 रुपए, और सेबी से सैलरी मिल रही है 41,25,172 रुपए। अब आइए आप 22-23 में, अब ये सेबी की चेयरपर्सन मार्च में बनी थी 2022 में, आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह इस साल नहीं मिली, लेकिन प्रूडेंशियल से मिलता है 4,44,434 रुपए, ईसॉप मिलते हैं 17,89,838 रुपए, टीडीएस मिलता है 6,37,816 रुपए, और सेबी की तनख्वाह मिलती है 78,38,820 रुपए। 23-24 में बैंक से नहीं मिल रहा, प्रूडेंशियल से मिल रहा है 2,17,908 रुपए, सेबी की तनख्वाह है 57,54,464 रुपए। टोटल बैंक से इस दौरान वो ले चुकी हैं 12,63,47,239 रुपए। जदियों आपको ने बहु प्रकार प्रश्न उठिला, विरोधी विरोध करिथिले, अनेक संवाद पत्र रे खबर प्रकाश पाइथिला, किंतु से भी मुख्य माधवी बुच्च ना दिले इस्तफा ना तांको ऊपर हेला कोनोसी तदंत। जदियो माधवी को नै पूर्वरु हिंडनबर्ग रो रिपोर्ट प्रकाश पाइ सरिछि, किंतु सेतबेले विदेशी कंपनी कहि टाळी दिया जाइथिला, हेले वर्तमान से भी मुख्यक ना रे लंबा चौड़ा अभियोग गाणी से भी रो पारिबा पणिया ऊपर प्रश्न उठाबा सहित सरकार को मध्य घेरिछि कांग्रेस। तेबे आईआईसी रो बैंक कांग्रेस रो ई अभियोग को खंडन करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, एबे जोडिया।